क्या आपके पीरियड्स भी आगे पीछे हो जाते हैं? क्या आप जो डेट कैलकुलेट करते हैं उसके हिसाब से आपके पीरियड्स ऊपर चले जाते हैं? या बहुत बार ऐसा होता है कि आपने उन पीरियड्स की डेट्स के अकॉर्डिंग किसी डेट का या किसी जगह जाने का प्लान किया होता है और वो डेट के नहीं आने की वजह से वो प्लान चौपट हो जाता है। तो अगर आप एक महिला हैं और आप इस तरह के प्रश्नों से या आप इस तरह की सिचुएशन से परेशान हैं, तो ये जो आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए डेवलप कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा एक ऐसी नेचुरल और आयुर्वेदिक रेमेडी के बारे में जिस रेमेडी को आप लेकर के 1 से 2 दिन के अंदर ही अपने पीरियड्स को ला सकते हैं। इस रेमेडी के अंदर मैं 3 से 4 कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करूंगा जिनको इस्तेमाल करके आपका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी गारंटी होती है कि विद इन 2 डेज आपको साइकिल जरूर आ जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं कि इस रेमेडी को लेने से पहले आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि अगर आप मैरिड हैं और अगर आपने इस पिछले 1 महीने के दौरान कभी भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन के बिना रिलेशंस अगर बनाए हैं, तो आप एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कर लें, क्योंकि वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको पता चल जाए कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, कहीं आपने कंसीव तो नहीं कर लिया है। अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है और फिर भी आपका साइकिल चला जाता है ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली आप इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि इस रेमेडी के अलावा भी आपको ये सबसे पहले जानने और समझने की जरूरत है कि इस पीरियड के ऊपर नीचे होने के क्या रीजंस हो सकते हैं। तो हालांकि मैंने उस पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे मोटा मोटा बता देता हूं कि आपके हॉर्मोन्स का इंबैलेंस होना, आपका स्ट्रेस, स्पेशली जो आपका इमोशनल स्ट्रेस है, वो आप के पीरियड्स को फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे करता है। आपके शरीर में होने वाला थायराइड या आपके शरीर में होने वाला कोई भी दूसरा ऐसा बीमारी जिसके अंदर की आपके हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन होता है, वो आपको परेशान करता है, आपको बीमार करता है। दोस्तों, एक और चीज, आपकी डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके साइकिल को बैलेंस करने में, स्टेबल करने के लिए। तो आपको इन चीजों को भी बहुत ज्यादा फोकस करना है, स्ट्रेस को मेंटेन करना है, मैनेज करना है, एक्सरसाइज को रेगुलेट करना है अपने टोटल रूटीन के अंदर, प्रॉपर नींद लेनी है, और फिर भी अगर आपका किसी रीजन की वजह से साइकिल ऊपर नीचे होता है तो आप इस रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं सीधा किचन के अंदर और आपको दिखाते हैं कि ये रेमेडी किस तरह से तैयार होने वाली है। इस रेमेडी को कैसे लेना है पहले वो मैं आपको बता देता हूं। इस रेमेडी को आप रोजाना रात को सोते समय लेंगे, तुरंत आपको इसे बनाना है और तुरंत ही आपको इसे ले लेना है। थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए जब आप इसे ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि जब आपका पीरियड आ जाता है विद इन अ डे और 2 डेज के अंदर आप इसको लेना बंद कर देंगे। आपको पीरियड आने के तुरंत बाद इसको कंप्लीटली बंद कर देना है, फिर नेक्स्ट मंथ अगर आपको जरूरत लगती है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं किचन के अंदर और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस रेमेडी को हमें तैयार करना है। दोस्तों, इस ड्रिंक को बनाने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले हमने अदरक, जिसको हमने पहले से ही कूट के रख लिया है, वो लिया है। 1 चम्मच हमने सौंफ ली है। उसके बाद 1 चम्मच हमने यहाँ पे जीरा लिया है और 1/2 चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी ले ली है। इन चारों चीजों को एक तरफ करके पहले हमें इनमें से 2 जो चीजें हैं उनको कूट करके दरदरा तैयार कर लेना है। इन 2 चीजों में 1 चम्मच जो हमने जीरा लिया है वो होगा, और इसके बाद में इसी के अंदर हमने 1 चम्मच जो सौंफ ली है वो भी हम ऐड कर देंगे। इन दोनों चीजों को मिला करके हमें थोड़ा सा इसे दरदरा होने तक कूट लेना है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये चीजों को मैंने दरदरा होने तक कूट लिया है। इसके बाद हम इसे ले चलेंगे गैस पर और हमें इस ड्रिंक को तैयार करना है। हमने 1 बर्तन के अंदर 1 ग्लास पानी ऐड कर दिया है, और इस 1 ग्लास पानी को हमें अच्छे से पहले थोड़ा सा गर्म होने देना है, और उसके बाद हम यहाँ पर जो हमने अदरक जो काट करके रखी थी, जिसको हमने हल्का सा कूट भी लिया था, उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इससे हमारी जो पीरियड्स हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो स्टिमुलेट होता है और हमारे पीरियड जल्दी ही आ जाते हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड किया है दरदरा कूटा हुआ जीरा और सौंफ का पाउडर, जिसको कि हमने डाल करके थोड़ा सा गर्म होने का वेट करना है। जब ये गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम 1/2 चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी के अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो बॉडी को रिजुविनेट और रिवाइटलाइज करने का काम करता है। आप देखेंगे कि 3 से 4 मिनट के अंदर ही ये बहुत अच्छे से उबलने लगेगा। इसे हमें कम से कम 4-5 मिनट और उबालना है, जिससे कि इसका जो पानी की क्वांटिटी थी वो 20 से 30% कम होकर के बहुत अच्छा एक गाढ़ा एक्सट्रैक्ट तैयार हो जाए, ताकि जब हम पिएं तो हमारी बॉडी को उसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिल सके। अच्छे से उबलने दें। उबलने के बाद जब आपको लगे कि ये बनके तैयार हो गया है, तो गैस को आप बंद कर दें और उसके बाद छान लें।
छानते समय आपको चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर आपको लगता है कि आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा कड़वा होगा, तो आप इसके अंदर अपनी इच्छा से ऑर्गेनिक शहद मिला सकते हैं। अगर अच्छा होगा, अगर आपके पास ऑर्गेनिक शहद नहीं है तो आप इसको बिना शहद के ही ले लें। दोस्तों, इसे एक या दो दिन लेने पर ही मैं आशा करता हूँ कि आपको पीरियड्स आ जाएंगे और इसको अपना रेक्स मंथ की जब साइकिल होगी उसके हिसाब से आप रिपीट कर सकते हैं। आपका प्यार आप हमें इस वीडियो के साथ दर्शक बताते रहिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये फायदा जरूर करेगा। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।